तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरी एक और न्यू वीडियो के साथ वर्ल्ड बस ड्राइविंग सिम्युलेटर में स्वागत है। तो गाइस, आपने मेरी पिछली वीडियो में तो देखा ही होगा कि गाइस यहाँ पे भी जो अपनी वैन है उसको गाइस जो पलमा शहर है वहाँ से गाइस यहाँ पे जो आयरिश शहर है वहाँ पे अपने लेके आ गए थे। और अभी अपने गाइस यहाँ पे जो आयरिश है उसका जो बस स्टेशन है गाइस वहाँ पे अपनी जो वैन है उसको पार्क कर दिया था। और बाकी गाइस यहाँ पे अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके बाजू वाले प्लेटफॉर्म में अपने को चलना पड़ेगा गाइस जो ट्रैवल मार्केट की लिस्ट देखने के लिए। तो इसको पार्किंग में से निकालते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं और रिवर्स में मैं ले लेता हूँ। बाकी गाइस यहाँ से अपने जो बाजू वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपने को वैन को लगानी है, जिससे गाइस जो ट्रैवल मार्केट की लिस्ट गाइस अपने को देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर अपने आगे की तरफ लेते हैं और इसको गाइस ये वाला जो प्लेटफॉर्म है गाइस वहाँ पर अपने पार्क कर देते हैं। और उससे पहले गाइस यहाँ पर जो अपना वाईफाई है उसको और एसी को ऑन कर देते ताकि गाइस यहाँ पे अंदर गर्मी हो तो गाइस ठंडक हो जाए, क्योंकि गाइस एकदम से ठंडी नहीं हो जाती इसीलिए। बाकी गाइस यहाँ पे जो ट्रैवल मार्केट की लिस्ट है उसको देखते हैं। और यहाँ पे गाइस जो ट्रैवल मार्केट की लिस्ट में अपना है तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब अवेलेबल है, लेकिन गाइस अपने सबसे करीब वाली जो सिटी है गाइस एक सेल्वेडोर है और इस साइड पे पलमास है। लेकिन पलमास से तो अपने आए तो उसका रास्ता मालूम ही है। बाकी गाइस जो पलमास से सेल्वेडोर में से कोई भी एक सिटी का रूट मिल जाएगा तो वहीं पर अपने जाने वाले हैं। तो गाइज़ नीचे चलते तो गाइज़ ये नहीं है, ये भी नहीं है। और भाई ये रहा गाइज़ ये तीसरी जो जॉब है यानी कि गाइज़ आयरिश तो सेल्वेडोर है, अपने को मिलेंगे 4,855 डॉलर। बाकी उसके नीचे पलमास के भी नहीं है। और भाई यहाँ पे जो सेल्वेडोर है अपने लिए न्यू सिटी है तो इसकी जॉब है उसको अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे गाइज़ जो जॉब थी उसको भी अपने एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ पे जो डोर है उसको अपने ओपन कर देते हैं। और भाई यहाँ पे पैसेंजर्स बैठ गए और भाई यहाँ पे जो डोर है उसको भी अपने ऑफ कर दिया है। बाकी इंजन को स्टार्ट करते हैं। और भाई गाइस यहाँ पे देखो स्टेशन को गाइस यहाँ पे साफ कर रहा है गाइस जो कर्मचारी है वो। तो गाइस इंजन को भी अपने स्टार्ट कर लिया, बाकी पार्किंग में से भी निकालते हैं और अपने इसको रिवर्स लेते हैं और इस साइड से गाइस निकलने का रास्ता है। तो गाइस यहाँ पे भी अपने टर्न ले लिया है और भाई यहाँ से अपने को जाना है। तो गाइज़ ये जो रास्ता निकलता है गाइज वहाँ से अपने बाहर निकलते हैं। बाकी गाइज यहाँ पे से अपने निकले थे 11:56 को और अपने को गाइज जो सेल्वेडोर है 22:30 को पहुँचना है, यानी कि गाइज रात के 10:30 तक गाइज जो सेल्वेडोर है वहाँ पे अपने को पहुँचना है। तो गाइज जो वैन है उसको बस स्टेशन से बाहर निकालते हैं अपने। और भाई यहाँ पे अपने को टर्न मारना है गाइज यहाँ पे लेफ्ट की तरफ। तो गाइज यहाँ पे लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया है तो भाई यहाँ से अपने टर्न ले लेते हैं। और भाई यहाँ पे जो सर्कल यानी कि जो रास्ता है बढ़ाया गया यहाँ से अपने को राइट टर्न लेने का। तो गाइज इंडिकेटर दे के टर्न मान लेते अपने राइट की तरफ। और अब गाइज यहाँ पे अपने हाईवे पे निकल गए और भाई यहाँ पे जो रोड है गाइज एकदम सिंगल लेन ही है। और भाई यहाँ पे नीचे यानी कि नीचे उतरने की ढलान है कि तो गाइज अपने को स्लो ही स्लो यानी कि चलाना पड़ेगा। और अपने लिए गाइज यहाँ पे एक ही रास्ता और बाकी जो आने वाले जो कार्स है और गाड़ियाँ उनके लिए डबल लेन है। भाई अपने लिए सिंगल लेन क्यों भाई, यहाँ पे अपने को और ज़्यादा दिक्कत आएगी और उनके लिए डबल लेन है कि। तो गाइज अपने को अपने सिंगल लेन में ही चलाना है और एकदम ढलान है। और भाई यहाँ पर ब्रेक्स भी यानी कि पहले ही माननी पड़ेगी, बहुत दिक्कत आएगी, इसीलिए गाइज संभल के ही चलाते। बाकी गाइज थोड़ा बहुत ट्रैफिक मेरे को आज दिख रहा है। बाकी गाइज यहाँ पे जो अपने आगे वाला बंदा है गाइज अपने को दिक्कत देने ही वाला है, यानी कि गाइज कार आ गई भाई यहाँ पे ढलाएंगे तो भाई जो आगे वाले कार वाले बंदे गाइज वो भी थोड़ी बहुत स्पीड में चला रहे हैं। और भाई ये जो येलो लाइन है उसको अपने को क्रॉस नहीं करना है क्योंकि अगर सामने से भी कार और ट्रक्स व्रक्स कुछ भी व्हीकल आ सकते हैं, इसीलिए गाइज एक्सीडेंट हो सकता है अपना, इसीलिए गाइज जो येल्लो लाइन है उसको अपने को क्रॉस नहीं करने का है। और भाई चलाते चलते बाकी जो कार वाले बंदे गाइज वो भी आज भगा रहे क्योंकि गाइज ढलाएंगे। बाकी गाइज यहाँ पे बहुत यानी कि 100 के ऊपर गाइज यहाँ पे अपनी स्पीड चले गई और भाई यहाँ पे इतने ऊपर का यानी कि नहीं है, अपने को 60 या 70 पे ही चलाने की है, तो इससे ज़्यादा अपने नहीं चलाने वाले। तो मैं स्पीड को कम कर देता हूँ नहीं तो गाइज एक्सीडेंट हो जाएगा, तो गाइज स्लो स्लो लेके चलते हैं।
और अब गाइज यहाँ पे जो सामने वाली जो लेन है वो भी सिंगल हो गई और अपनी भी सिंगल तो थी, अपनी तो पहले से ही। बाकी एकदम यानी कि रेगिस्तान जैसा लग रहा है भाई यहाँ पे, एकदम कुछ है ही नहीं, पेड़ मेड़ कुछ भी नहीं है। बाकी गाइज यहाँ से अपने को जाना है सेल्वेडोर के लिए, अपने को राइट टर्न मारना है, तो इंडिकेटर अपने राइट का दे दिया है और यहाँ से अपने टर्न मारते हैं राइट की तरफ। और गाइज यहाँ पे रोड एकदम न्यू न्यू बना हुआ लगता है मेरे को गाइज, यहाँ पे देख लो, और इससे पहले वाला जो रोड था गाइज वो देख लो गाइज, ये जो पूरा का पूरा जो रोड है मेरे हिसाब से अभी अभी ही बना है, नहीं तैयार हुआ है। यानी कि गाइज जो रोड की चमक से ही अपने को पता चल जाता है गाइज रोड न्यू बना है। बाकी गाइज यहाँ पे आगे जो पुलिस की चेकिंग है यानी कि 100 मीटर की दूरी पे, तो गाइज इंडिकेटर दे देते हैं, अपने को चेकिंग करानी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा आगे से यहाँ पे चेकिंग कराने के लिए चलते हैं, तो गाइज इस लेन में ले लेते हैं और यहाँ पे आगे जो जगह है यहाँ पे अपने स्टॉप कर देते हैं। और यहाँ पे गाइज चेकिंग हो गई, और गाइज चेकिंग में इतनी देर लगा दी कि गाइज यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी। बाकी गाइज यहाँ पे इंजन को स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ पे जो लाइट्स है उसको भी अपने बढ़ा लिया, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो मौसम है गाइज एकदम से बदल गया है। चेकिंग हुई इतनी देर में गाइज यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, तो वाइपर को भी गाइज अपने अभी अपने ऑन कर दिया है और आगे चलते हैं भाई रास्ते पे। और गाइज यहाँ पे सेल्वेडोर के लिए जाने के लिए गाइज अपने को टर्न मारने लेफ्ट की तरफ, तो गाइज पूरा का पूरा सर्कल अपने को टर्न लेने का है, तो गाइज संभल के अपने लेने वाले हैं। और भाई रुक जाओ पहले देख लेने, तो इस साइड पे गाइज इस साइड पे तो कोई भी कार या ट्रक व्रक नहीं आ रहा, और इस साइड पे भी गाइज अभी तो कोई बहुत दूर है, तो भाई यहाँ पे अपने फटाफट ले लेते इस लाइन में। और भाई यहाँ से भी अपने टर्न ले लिया एकदम यानी एक्सीडेंट के बिना, और भाई इसको अपने को लेके चलने का है भाई। यहाँ पे एकदम यानी कि स्टेयरिंग क्या पता गाइज, यहाँ पे एकदम बारिश शुरू हो गई और गाइज यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो गाइज अपने संभल के इसको लेके चलने वाले हैं। बाकी पीछे तो कोई भी कार मार नहीं आ रही, थोड़ी बहुत दूर हैगी, तो भाई ले लेते हैं रोड के ऊपर। और यहाँ पे गाइज शहर तो कोई आया हुआ दिख रहा है, यानी कि बिल्डिंग्स भाई यहाँ पे दिख रही है अपने को, तो गाइज शायद तक ये वही शहर होगा अपने को, मेरे को पता नहीं, शायद तक ये वही शहर हो सकता है। और गाइज यहाँ पे मेरे हिसाब से तो गाइज ये वही शहर है, और भाई यहाँ पे जो टाइम था यानी कि 22:30 का, उससे तो अपने पहले ही पहुँच गए हैं। और गाइज यहाँ पे ये रहा अंदर की तरफ स्टेशन है, यानी कि जो बस स्टेशन है वो, तो अपने टर्न यानी कि इंडिकेटर दे दिया है, और भाई यहाँ से अपने चलते हैं अंदर। तो भाई यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी कि गाइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, देख लो गाइज यहाँ पे पूरे यानी कि 5-6 बस का स्टॉप यहाँ पे है, और अपना बीच वाला है शायद तो क्या लास्ट वाला है वो अपने को नहीं पता, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वैसे गाइज यहाँ पे जो सेल्वेडोर है वहाँ पे अपने काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँच गए, यानी कि बहुत लंबा सफ़र नहीं था भाई। यहाँ से अपने टर्न लेते हैं और भाई जो लास्ट वाला है यानी कि लास्ट वाले के जो बने हुए स्टेशन, उस साइड पे अपने को टर्न लेना है, और भाई यहाँ पे अपने पहुँच ही गए हैं। और इस साइड से गाइज यहाँ पे अपने को अंदर टर्न लेने का है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त यानी कि जो बोलते हैं ना बस स्टेशन, बहुत ही तगड़ा वाला बस स्टेशन बना हुआ है। और पार्क कहाँ करने के अपने बसों का भाई, यहाँ पे ये रही अपनी पार्किंग, तो यहाँ पे मैं इसको पार्क कर देता हूँ। बाकी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है भाई ये जो अपने बस स्टेशन बोले, तो इसको अपने पार्क कर दिया है, डोर को अपने ओपन कर देते हैं। और गाइज यहाँ पे डोर मोर को ओपन कर दिया है, बाकी गाइज यहाँ पे पैसेंजर्स उतर रहे हैं, और जॉब की वैल्यू थी
$3,855 एक्सपी मिलने की थी गाइज, यहाँ पे 485। और भाई डिससेटिस्फाइड पैसेंजर 0% है क्योंकि गाइज विदाउट एनी डैमेज और विदाउट एनी एक्सीडेंट, बाकी वाईफाई और एसी भी गाइज अपने इनको प्रोवाइड किया था। और बाकी ट्रैवल कंप्लीट का बोनस यानी कि अपने को 50 एक्सपी मिल गई है, अपने को टोटल पैसे मिलेगा गाइज $4,855 और टोटल एक्सपी मिली है 535। तो भाई यहाँ पे ओके कर देते हैं और यहाँ पे गाइज जो अपना आज का काम था गाइज वो हो चुका है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।